हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुनील स्वागत करता हूँ आपके अपनी क्लास में जहाँ हम मैथ पढ़ रहे हैं और हम टॉपिक पर है नंबर सिस्टम पर। तो प्रीवियस क्लास में हम कर चुके थे नंबर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कंप्लीट नहीं हो पाई थी तो उसको हम आगे करेंगे। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे टू डिविजिबिलिटी बाई टू फोर एट, और ये तीनों एक साथ किस तरह है, ये रिलेटेड है। और इससे अलग हम कर चुके थे थ्री और नाइन के लिए भी, थ्री के लिए पढ़ा था और नाइन के लिए। जो रूल थ्री का है वही रूल नाइन का भी है, बस थोड़ा वहाँ थ्री के लिए चेक करना है तो यहाँ नाइन के लिए चेक करना है। कुछ क्वेश्चन किए थे हमने नाइन के लिए, और फिर इसके बाद सिक्स पढ़ा था, और फिर हमने फाइव और टेन जो ज़्यादा कोई इंपोर्टेंट नहीं है। अब बात थी इलेवन की, डिविजिबिलिटी बाय इलेवन। तो यहाँ से हम फिर से आगे बढ़ते हैं करते हैं क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। नाइन भी इम्पोर्टेंट है और डिविजिबिलिटी बाय इलेवन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो डिविजिबिलिटी बाय इलेवन, इलेवन से कौन सी संख्याएं कटेंगी कौन सी नहीं कटेंगी, इसके लिए क्या रूल है और किस तरह से करने हैं, समझते हैं इसे। तो इलेवन के लिए रूल है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय इलेवन इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट एट ऑड प्लेस एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट एट इवन प्लेस इज इधर जीरो और नंबर डिविजिबल बाय इलेवन या मल्टीपल ऑफ इलेवन। ठीक है, तो क्या समझे हम कि कोई भी संख्या है उसके सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 11 के पहाड़े में आना चाहिए, 11 22 33, यही है ना 11 का पहाड़ा, ये आना चाहिए। तो जैसे यहां पर हम एक ऑप्शन एक एग्जांपल ले रहे हैं 4 8 3 2 7 1 8, ये 11 से डिवाइड है या नहीं है। तो यहां बात हो रही है इवन प्लेस और ऑड प्लेस की, ना कि इवन नंबर ऑड नंबर। जैसे ये पहला प्लेस है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। पहला तीसरा ऑड है, पहला और तीसरा ऑड है, और दूसरा और चौथा इवन है। अब ऐसे तो हम कंफ्यूज में हो जाएंगे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ऑड और इवन हमेशा क्या आते हैं, अल्टरनेट आते हैं। आपको पता है ऑड के बाद इवन आएगा और इवन के बाद ऑड आएगा, तो इसी का यूज करते हुए हम यहाँ करेंगे क्वेश्चनों को। जैसे पहला क्या है, सबसे पहला प्लेस है हमारा ऑड, फिर थ्री, फिर सेवन और फिर एट, ये सभी ऑड प्लेस हो गए। पहला तीसरा पांचवा और सातवा, इन सभी का योग करेंगे हम। थ्री और फोर एंड थ्री सेवन, और सेवन 14 और एट 22, 22 हो गया इनका योग, ये हमने योग लिख दिया 22। नेक्स्ट इवन प्लेस देखेंगे, टू और एट 10 हो गए और ये 1 11 हो गए। तो ऑड नंबर का ऐड जो है, ऑड प्लेस का ऐड 22 और इवन प्लेस का ऐड 11, लेकिन और क्या कहा था, अंतर भी तो कहा है ना, तो इन दोनों का अंतर भी करेंगे, इसका डिफरेंस भी लेंगे, माइनस क्या आया 11, जो क्या है 11 के पहाड़े में आता है, 11 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल है। तो ये नंबर क्या है, 11 से डिविजिबल है। ये चीजें समझ गए, बड़ी सिंपल है, अल्टरनेट ले लेनी है एक, और उसके तुरंत बाद फिर हमको बता देना है कि ये संख्याएं कटेंगी या नहीं कटेंगी। जैसे हम और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है, ये इसको कह रहा है कि आप बताइए। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, 4 8 थ्री टू सेवन वन एट, दिखाइए कि डिविजिबल है, कैसे करना है, ऑड प्लेस लेने हैं, ये ऑड प्लेस है, फिर एक छोड़कर ये ऑड प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, ये एक छोड़कर एक, ठीक है। दूसरी बात, ये इवन प्लेस है और ये इवन प्लेस है, तो आपने जोड़ा 4 और 3 7, और 7 14 और 8 22, ठीक है। और ये इवन प्लेस जोड़े, सम स्थान, ये विषम स्थान जोड़े और सम स्थान जोड़े, तो 8 और 2 10 और 11,
और दोनों का अंतर निकाला, जो 11 है, जो 11 के पहाड़े में आता है, इसलिए संख्या 11 से कट जाएगी। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, सम स्थान और विषम स्थान, ना कि सम अंक और विषम अंक। तो स्थान से है लेकिन आपको ज्यादा नहीं सोचना है, आपको अल्टरनेट लेना है, एक छोड़कर एक, पहले एक बार ऊपर ले लीजिए फिर एक बार नीचे लिख लीजिए, दोनों का योग करके क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरह से आते हैं, जैसे हमने 9 का पढ़ा था, 4 7 3 9 * 6 5 स्टार के स्थान पर क्या आए कि यह संख्या 11 से कट जाए। क्वेश्चन है स्टार के स्थान पर क्या होना चाहिए कि यह 11 से डिवाइड हो जाए, 11 से पूरी तरह कट जाए। तो अब यहां पर भी कुछ ना कुछ अंक होगा, जैसे हमने 9 का क्वेश्चन किया था बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन करना कैसे है, अल्टरनेट नहीं है, एक छोड़कर एक। पहले हमने लिया 4 और 3 कितने होते हैं 7, फिर इसके बाद ये स्टार आएगा यहाँ पर, अभी वैल्यू नहीं पता है, और फिर 5 आएगा, तो 7 5 12 ये हो गया 12 + स्टार ये हो जाएगा। यहां पर क्या है 7 और 9 16, अच्छा जी 16 और 6 22, एक और अंक इसमें ऐड कर लेते हैं, यहां पर हमने ये एक अंक और 3 ऐड कर दिया तब क्वेश्चन में, और 3 तो ये कितना हो गया 16 और 6 22 और 3 25, ये 25 हो गया। अब बताइए स्टार के स्थान पर क्या रखें कि ये या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, अंतर लेना है ना दोनों का, अंतर का मतलब है जो बड़े में से छोटा घटा दे, ऐसे नहीं कि ऊपर से नीचे ही घटाना है, आपको बड़े में से छोटा घटाना है। बड़े में से छोटा घटाएंगे देखो 12 तो माइनस होंगे, 25 से 12 माइनस हो गए तो कितने बचे, 25 से 12 माइनस हुए तो 13 बचे, लेकिन हमें क्या चाहिए 11 या 22 या 0, तो और क्या माइनस करें, क्या माइनस करें 2 और माइनस कर दें, तो स्टार के स्थान पे क्या ले आए 2 ले आए, तो 12 और 2 14 हो जाएंगे, 25 से 14 जाएंगे तो क्या बचेंगे, ये 2 और माइनस हो जाएंगे तो ये 11 बच जाएंगे, और हमारी संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी। तो स्टार के स्थान पर क्या आया बच्चों, स्टार के स्थान पर आया 2। तो चीजें समझ में आई होंगी उम्मीद करता हूं, तो यहां फिर से समझ लीजिए, पहले हमने अल्टरनेट जोड़ा, ऊपर का योग आया 12 + स्टार 12 और प्लस स्टार ये जो है, और सम स्थानों का योग आया कितना हमारा 16 22 और 25। अब यहां पर 25 और ये 12 + स्टार तो 25 में से ये चीजें घटनी है, ये छोटी संख्या है, अब यदि ये घटना है तो हमने 25 से स्टार की वैल्यू नहीं पता, फिलहाल 12 घटा लिया, कितना बचा 13, और क्या घटाएं 2 और घटाएं, तो स्टार के स्थान पे क्या रख दिया 2 रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर, ऊपर हो गया ये 14 और नीचे हो गया 25, दोनों का डिफरेंस 11 आएगा। तो यही चीज थी, तो इस तरह से हमें पता लगा कि स्टार के स्थान पर क्या रखना चाहिए हमें 2। और भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे एक और क्वेश्चन हमने लिख रहे हैं 5 8 7 * 3 3 6, चलो इतना लिख लेते हैं। तो अभी से देखते हैं किस तरह से स्टार के स्थान पर क्या है कि 11 से कट जाए, अल्टरनेट लेना है, एक छोड़ करें ये और यहां कौन कौन से लेना है ये और ये, ये जोड़ते हैं 7 5 7 और 5 12 और 3 15, ऊपर का योग आया 15, ठीक है, नीचे का योग कितना आ रहा है 8 और 6 14,
प्लस स्टार, 14 प्लस स्टार है, ये है योग। अब बताइए क्या लिखे यहां पर, तो जीरो बन जाए, बनाना आसान हुआ यहां पर, जीरो बना सकते हैं कब, जब यहां वन हो, स्टार के स्थान पे क्या हो, वन। तो ये भी 14 और एक 15 हो जाएंगे और ये भी 15, और नीचे क्या आ जाएगा, जीरो। कब आएगा, जब स्टार के स्थान पे वन हो। तो हमें यहां पता लग गया कि स्टार के स्थान पर क्या आएगा, स्टार के स्थान पर वन आएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं आपको, और जो भी आपको प्रॉब्लम आए, कोई समस्या आए, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप इसको शेयर करते चलेंगे जो हमें भी अच्छा लगे और हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आए। खैर इससे आगे देखते हैं, तो यहां तक आपको समझ में आया, आगे और क्या क्या है। अच्छा, डिविजिबल बाई 12, 15, 18, 24, 45, ऐसे कहां तक चलेगी ये संख्याएं, ये तो बड़े इतना समय हो, ये 11 तक कर लिया, ऐसे किस किस को याद करेंगे। तो बताइए 12 के लिए क्या रूल होगा। अब आगे रूल हमारे 11 तक ही है, इससे आगे रूल हम खुद बनाएंगे। रूल कैसे बनाते हैं, रूल बनाते हैं जिसका भी रूल बनाना है उसके फैक्टर करने हैं, और फैक्टर कैसे होंगे, कोप्राइम, सह अभाज्य, जो हमने पहले पढ़ा था सह अभाज्य, जिसमें आपस में कुछ कॉमन ना हो। जैसे 12 के फैक्टर बनते हैं 6 × 2 = 12 या 3 × 4 = 12। अब इसमें तो कॉमन है ना, दो, HCF एक से अधिक है, दो कॉमन है, और इसमें क्या कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो ये वाला फैक्टर ही क्या कहलाएगा, कोप्राइम कहलाएगा, सह अभाज्य कहलाएगा। तो ऐसे वाला फैक्टर ही हमको यहां पर लेना है, वही फैक्टर लेना है जो जिसमें आपस में कुछ कॉमन ना हो। अब ये फैक्टर लेने के बाद हमारा रूल क्या बन जाएगा, ऐसी संख्या जो 3 और 4, 3 व 4, 3 और 4 दोनों से कट जाए, दोनों से कट जाए, तो वो क्या होगी, 12 से भी कट जाएगी। तो 12 के लिए रूल क्या हो गया, बिल्कुल जैसा हमने 6 के लिए जो हमने रूल पढ़े थे उसी तरह से 6 के लिए भी हमने फैक्टर किए थे। अब आगे और किसी के लिए भी हम फैक्टर ही करेंगे, तो 3 × 4 = 12, तो 3 और 4 दोनों से कट जाएंगे, तो संख्या क्या होगी, 12 से भी कट जाएंगे, बेहद आसान है। जैसे हम 15 के लिए क्या फैक्टर होंगे, 15 का तो फैक्टर ही यही होता है 3 × 5, यही फैक्टर होता है, और फैक्टर भी नहीं होते, और यही फैक्टर कैसा है, सहभाज्य है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है आपस में। तो जो संख्या 3 और 5 दोनों से, जो संख्या 3 व 5 दोनों से, 3 बने तो 3 से 2 बने तो 2 से दोनों से कट जाएगी, दोनों से कट जाएगी, वही क्या होगी, 15 से भी कट जाएगी। तो सिंपल है, अब रूल हम बना सकते हैं, जैसे डिविजिबल बाई 18, बताइए ये क्या बनेगा इसका, तो 18 का फैक्टर करें तो क्या बन जाएगा, 18 का 3 × 6 नहीं, 3 × 6 नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें तो कॉमन है 3, ये नहीं बनेगा। क्या बनेगा, इसके लिए फैक्टर बनेगा 9 × 18, जिसमें आपस में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला रूल बन जाएगा, जो 9 और 2 दोनों से कटे वही क्या होगा, 18 से भी कटेगा। 24 के लिए क्या बनेगा, 6 × 24 या 8 × 24, भाई दो फैक्टर आए 6 × 24 और दूसरा फैक्टर आया 8 × 24, तो बताओ कौन सा बनेगा, ये तो बनेगा नहीं, कॉमन है इसमें, ये वाला बनेगा क्योंकि इसमें कॉमन नहीं है। तो कौन कौन से हो गए, 8 व 3 दोनों से,
आठ में तीन दोनों से जो कट जाएगी वो इससे भी कटेगी। ऐसे ही 45 के लिए रूल बनाएंगे। अब आप बना लेंगे अपने आप, बताइए 45 के लिए क्या रूल बनाओगे। बिल्कुल सही, 57 से सोचकर ये बनेगा 9 × 5, 9 × 5 = 45। कॉमन थोड़ी ना इसमें कुछ आपस में। तो इस तरह से आप कोई भी रूल बना सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं। इन पर क्वेश्चन आते हैं, देख लेते हैं। जैसे इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 24, क्या ये नंबर 24 से डिविजिबल है या नहीं है, बताइए है या नहीं है। तो चेक कीजिए इसे। तो हमने देखा 24, अब 24 का फैक्टर क्या बनाएगा, 8 × 3 = 24, यही फैक्टर बनेगा। जब तो ये फैक्टर बनेगा तो हमें क्या चेक करना है, 8 के लिए और 3 के लिए। 8 के लिए क्या रूल है, 8 के लिए रूल है लास्ट की 3 डिजिट। लास्ट की 3 डिजिट आपने चेक की 744, 8 से डिवाइड करके, है ना, 8 × 72, 2 बचे, 8 × 3 = 24। अच्छा ये तो कट रही है, यानी 8 तो ओके है। अब 3 और चेक करते हैं। तो 3 कैसे चेक करते हैं, 3 के लिए चेक करते हैं 5 × 2 = 5 6 × 3 = 7 = 4, ये है। तो मैंने कहा 3 के लिए चेक करना है, तो 2 3 से कट रहा है उसे काटें, बाकी को चेक कर सकते हैं या फिर टोटल का योग कर सकते हैं। तो हमने देखा 5 और 2 7, 7 और 5 12 कट गए, 3 से 12 3 से कटता है, 6 कट गया, 3 कट गया, ठीक है। 7 और 4 11 और 4 15, तो 15 भी कट गया, यानी पूरी संख्या 3 से कट गई। तो ये 3 से भी कट जाएगी। अब जब 8 और 3 दोनों से कट जाएगी तो 24 से भी कट जाएगी। ये हमने 8 के लिए चेक किया और ये हमने 3 के लिए चेक किया, और इस तरह से हमने ये चीजें सॉल्व कर दी। और तो आपको ये चीजें समझ में आई, और देखते हैं आगे। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन है, वो आप हम करेंगे अगली क्लास में। आप इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, और जो भी चीजें आपको परेशानी करें या समझ में ना आए वो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।